और उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर है, यूपी के प्रयागराज में चलती ट्रेन पर पत्थरबाजी, प्रयागराज में महाबोधि एक्सप्रेस पर पथराव। नई दिल्ली से बिहार के गया जा रही थी ट्रेन और इस पर पथराव किया गया। आरपीएफ की सूचना पर मिर्जापुर स्टेशन में ट्रेन रोककर घायलों का इलाज किया। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है और जानकारी मिल रही है कि नई दिल्ली से बिहार के गया ये जा रही थी ट्रेन महाबोधि एक्सप्रेस, लेकिन प्रयागराज में पत्थरबाजी की गई है। कई लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, प्रयागराज में ट्रेन पर पथराव किया गया है और इस पथराव में कई लोग घायल भी हुए हैं। महाबोधि एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से बिहार जा रही थी उस पर यह हमला किया गया। आरपीएफ की सूचना पर मिर्जापुर स्टेशन में ट्रेन रोककर घायलों का इलाज किया जा रहा है। कुमार, सबसे पहले तो ये बताइए कि लोग घायल हुए हैं, किस तरह से घायल हुए, मतलब कि गंभीर भी हैं या फिर लोग ठीक ठाक हैं, इलाज कैसे चल रहा है और हुआ क्या इस तरह की घटना प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में? देखिए, घटना की जानकारी जैसे ही मिली वैसे रेलवे प्रशासन ने सबसे पहले उन घायलों को ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जो पत्थरबाजी के शिकार हुए। दरअसल घायल वो ज्यादा हुए हैं जो जनरल बॉगी में थे, क्योंकि एसी बॉगी तो पूरा लॉक्ड होता है एक तरीके से शीशे से, तो जनरल बॉगी में जो लोग सफर कर रहे थे उनको पत्थर लगी है और उसकी वजह से वो लोग चोटिल हुए हैं। घटना के कारणों का भी पता नहीं चला है कि आखिरकार पत्थरबाजी हुई क्यों है, लेकिन पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। रवि, शुक्रिया आपका इस जानकारी का।